हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर साइंस क्लास एंड वी आर रीडिंग आवर चैप्टर नंबर 4, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। हम नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स के बारे में कर रहे हैं, जिसमें हमने ब्रेन कर लिया और स्पाइनल कॉर्ड भी कर लिया, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है नर्व्स, वो हम पढ़ते हैं। नर्व्स क्या होती हैं, देखिए स्कूल की बात करते हैं हम, ठीक है। आपको कोई बात प्रिंसिपल मैम से कहनी है, लेकिन आप प्रिंसिपल मैम से जाने से पहले क्या करेंगे, या तो टीचर को कहेंगे कि आप हमारा मैसेज पहुंचा दीजिए, ठीक है, या फिर हमें अगर कुछ मंगवाना है, ऑफिस से कुछ मंगवाना है, तो हम पीएन को बोलते हैं कि आप हमें ये ला कर दो, या ये जाकर बोलो मैम को। मैम को हमें कुछ बुलाना भी है तो भी वो पीएन को भेजते हैं ना, कि पीएन को कह के भेजते हैं कि उस टीचर को बुला लाओ। तो वो पीएन क्या कर रहा है, वो हमारा मैसेज मैम तक लेके जा रहा है और मैम का मैसेज हमें दे रहा है ना। वैसे ही हमने जब पढ़ा है कि सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, कि आई अगर कुछ देखती है तो वो पहले ब्रेन को मैसेज भेजती है कि हमें ऐसी ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है, फिर ब्रेन उसे मैसेज भेजता है कि आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर ब्रेन उसके साथ नहीं होगा तो आई को समझ नहीं आएगा कि वो क्या देख रही है ना। ऐसे ही नोज़ है, नोज़ कुछ सूंघ रही है तो वो पहले ब्रेन को मैसेज देता है कि हमें ऐसी स्मेल आ रही है या खुशबू आ रही है, कुछ भी, फिर ब्रेन उसे पहचान कर बताता है, ठीक है। ऐसे ही हमारी स्किन काम करती है, ऐसे ही हमारी टंग काम करती है, ठीक है, ऐसे ही हमारे ईयर काम करते हैं। तो ये मैसेज पहले ब्रेन को दे रहे हैं ना, कि ब्रेन हमें ये ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है या ऐसा दिखाई दे रहा है, फिर ब्रेन उसे समझाता है कि आपको ये दिखाई दे रहा है या हमें हाथ हिलाना है। तो उसका मैसेज पहले ब्रेन से हाथ को जाता है कि तुझे हिलना है, ठीक है, समझ गए। तो इनमें जो मैसेज का आना जाना लगा हुआ है, वो किस कौन लेके जाएगा, कौन लेकर आएगा, नर्व्स लेकर आती हैं, ये नर्व्स करती हैं ये काम मैसेज लाने का, ले जाने का, ठीक है। तो नर्व्स क्या हैं, विच कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन एंड ब्रेन टू सेंस ऑर्गन्स। और उनका जो फंक्शन है कि वो ब्रेन तक मैसेज लेके जा रही हैं या ब्रेन से मैसेज लेके जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स हैं थ्री। थ्री टाइप्स की नर्व्स होती हैं। फर्स्ट है सेंसरी नर्व्स। देखिए सेंसरी में आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, सेंस और है ना। तो सेंस का मीनिंग सेंस हो गया और का मीनिंग ऑर्गन्स हो गया, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स बन गया ना सेंसरी से। तो इसका ये कौन सी नर्व्स होंगी, फ्रॉम जो मैसेज लेके जाएंगी कहाँ से, फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। मतलब जो साइंस ऑर्गन है हमारे आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इनका मैसेज लेकर जाती है ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, वो कौन सी नर्व्स होंगी, सेंसरी नर्व्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स देखिए हमारे घर में मोटर होती है ना, उसका काम क्या है, पानी के प्रेशर को ऊपर तक पहुंचाना। मतलब मोटर मेन पार्ट हो गया जहां से पानी जाएगा। तो हमारी बॉडी में ऑर्डर जाते हैं ब्रेन से, ब्रेन मेन पार्ट है, वहाँ से ऑर्डर जाते हैं हर बॉडी पार्ट को। तो वैसे ही ये मोटर नर्व्स कौन सी हैं, जो ब्रेन के ऑर्डर या ब्रेन के मैसेज लेके जाते हैं बाकी के बॉडी पार्ट्स को, मसल्स को या ग्लैंड्स को। जो हम हाथ हिला रहे हैं ना, तो वो मोटर नर्व्स मैसेज लाई है पहले ब्रेन से कि हाथ हिलाना है, उसकी वजह से हम हाथ हिला रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सेंसरी जो नर्व्स हैं वो सेंस ऑर्गन के मैसेज ब्रेन तक लेकर जाती है, और जो मोटर नर्व्स है वो ब्रेन के मैसेज सेंस ऑर्गन तक या बॉडी पार्ट्स तक या मसल्स तक लेकर जाती है, ठीक है, ये ब्रेन के ऑर्डर लेके जा रही है, ठीक है। फिर है मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व कौन सी होगी, जो इन दोनों का काम कर सकती है, वो सेंस ऑर्गन तक के और मैसेज भी लेकर जा सकती है ब्रेन तक, और ब्रेन के मैसेज भी बॉडी पार्ट्स तक ले जाती है। मतलब इन दोनों के जो काम मिक्स करती है वो कौन सी है, मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन देखिए, अगर मेरे हाथ, मतलब यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ और एकदम से मुझे पिन चुप जाए तो क्या होगा, मैं ऐसे झटके से हाथ पीछे कर लूँगी ना, वो ऑटोमेटिक रिएक्शन होते हैं वो। मतलब उसमें जैसे हमने अभी पढ़ा कि हम ब्रेन से मैसेज आते हैं कोई भी काम करने के लिए कि हमें हाथ हिलाना या करना है, लेकिन जो ऐसे एक्शन होते हैं फटाफट से होते हैं, वो बिना सोचे होते हैं, उसमें सोचना नहीं पड़ता कि हाथ हटाऊँ या ना हटाऊँ, क्योंकि इतनी देर में तो हाथ को नुकसान हो सकता है,
ठीक है, तो बॉडी किसी भी बॉडी पार्ट के साथ ऐसा हो सकता है कि वो मान लो हमारे चल रहे हैं हम या भाग रहे हैं और पैर के नीचे पत्थर आ गया या कांटा आ गया, तो हम एकदम से पैर उठा लेंगे ना। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब जो ऑटोमेटिक होते हैं और बिना सोचे होते हैं, बिना ब्रेन के होते हैं, वो कौन से होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। लाइक मैं किचन में काम कर रही हूँ, कोई बर्तन पड़ा है और मैंने उसको हाथ लगाया, वो बहुत गर्म है, तो क्या होगा? मेरा हाथ एकदम से वापस आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि मेरी जो ये मैसेज था वो स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाता है, ब्रेन तक ये मैसेज नहीं जाता, ब्रेन मैसेज वापस भी नहीं भेजता, ये काम स्पाइनल कॉर्ड कर देती है फटाफट से कि हमें एकदम से, क्योंकि अगर मैं उसको हाथ लगा के रखूँ और ब्रेन तक मैसेज जाएगा, ब्रेन वापस भेजेगा, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और उसमें मेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? अचानक से उस हाथ को वापस खींचने का मैसेज पहुंचा देती है। मतलब ये जो वर्क होता है ये बिना ब्रेन के होता है, बिना सोचे होता है, सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कौन सा है? रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। नर्वस सिस्टम हमारा पूरा हो गया, नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।